हेलो दोस्तों, आरके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे डिजिटल एम्पियर मीटर का। ये दोस्तों मेरे पास एक डिजिटल एम्पियर मीटर है, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और दोस्तों अगर आप लोग इस एम्पियर मीटर को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप सीधा वेबसाइट में जाकर इसको परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो। और दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश, अगर मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को नए नए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग और रिव्यू का वीडियो सबसे पहले मिला। तो दोस्तों चलो वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों चलो हम अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। तो मैं इसको खोल लेता हूँ इस तरह। तो दोस्तों इसमें देखने को मिला है हमको एड्रेस, ये जो मेरा एड्रेस है। और दोस्तों और आगे देखते हैं, इसके अंदर एक और बॉक्स दिया गया है ताकि हमारा जो सामान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ तक आ जाए। और दोस्तों इसको हम खोलते हैं, इसमें टेप भी अच्छे से मारा गया है। तो पैकिंग तो थोड़ा अच्छा किया गया है दोस्तों। और दोस्तों टेप के अंदर एक और थर्माकोल का एक पेपर दिया गया है। और ये रहा हमारा दोस्तों फाइनली एक मीटर। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एक डिजिटल मीटर है। और दोस्तों उसके साथ हमको देखने को मिला है ये जो हमारा मैग्नेट, इसी की मदद से हमारा जो एम्पियर है वो आगे चेक होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत ही नॉर्मल है। ये दोस्तों सबसे पहले हमारा ये सॉकेट में ये हमारा कुछ इस तरह ऐसा लग जाएगा ऐसा। और उसके बाद दोस्तों इसमें हमारा एक प्लस का वायर आएगा और एक माइनस का वायर दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको कनेक्शन करता हूँ। तो मेरे पास एक वायर है तो मैं इससे कनेक्शन करता हूँ। तो दोस्तों कनेक्शन नॉर्मल ही मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह। तो सबसे पहले दोस्तों हमको वायर लगेगा और दो वायर लगेगा कुछ इस तरह। और उसके बाद दोनों वायर को हम ऐसा फिट जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा जो जो यहाँ पे एक टर्नियर दिए गए है X1 X2, तो हम दोस्तों इसमें X1 में एक वायर लगाते हैं। इसमें दोस्तों प्लस माइनस कुछ नहीं रहता है, आप किसी भी कलर को किसी भी पार लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं ये वाला वायर लगा लिए हूँ। और दोस्तों इसके बाद हम ये बचे उसको भी लगा लेते हैं। तो मैं कुछ इस तरह इसको लगा लेता हूँ। अब दोस्तों ये जो हो गया हमारा कनेक्शन, ये वाला वायर जो दोस्तों हमारा जो बोट में जाएगा। और दोस्तों ये जो दो वायर है ये हमारा दोस्तों हमारा जो लोड है उसमें जाएगा। इसमें से हम एक वायर को इधर अंदर से बोलकाएंगे, क्योंकि दोस्तों यही हमारा एम्पियर को कन्वर्ट करेगा। एम्पियर जो है उसको मैग्नेट के सहायता से घिस कर हमारा डिजिटल मीटर में बताएगा। तो दोस्तों मैंने इसका कनेक्शन कुछ इस तरह किया हूँ। अब दोस्तों चलो हम इसको नॉर्मल ही पावर में ऑन करके देखते हैं कि हमारा डिजिटल मीटर काम कर रहा है कि नहीं। तो हम इसको पावर ऑन करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा डिजिटल मीटर बिल्कुल ही सही से वर्क कर रहा है। और हमारा जो एसी वोल्टेज है दोस्तों वो दोस्तों 210 वोल्टेज आ रहा है। और दोस्तों हम इस वायर में हम जब लोड डालेंगे तो ये हमारा एम्पियर दिखलाएगा कि वो लोड कितना एम्पियर ले रहा है। तो दोस्तों मैं कुछ इसमें लोड डालकर देखता हूँ कि हमारा वो कितना वोल्टेज ले रहा है। तो दोस्तों मैं चलो लोड डालता हूँ इसमें। तो दोस्तों मैं लोड डालता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें लोड डालकर रखा हूँ। ये मेरे पास एक मोटर है उसको लगा दिया है और साथ में एक 60 वाट वाला बल्ब को भी फिट कर दिया है। और दोस्तों चलो हम पावर ऑन करके देखते हैं इसमें कि एम्पियर ये दोनों कितना एम्पियर ले रहा है। तो लगभग, तो दोस्तों मैं पावर ऑन करता हूँ कुछ इस तरह। तो ये देखो दोस्तों जो हमारा एम्पियर है हमारा ले रहा है 0.6 एम्पियर ले रहा है दोस्तों। और जो हमारा घर का जो वोल्टेज आ रहा है अभी वो दोस्तों वोल्टेज है हमारा 208 वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। और जो हमारा एम्पियर है वो हमारा 0.6 ले रहा है। और कुछ इस तरह हमारा मीटर अच्छे से काम कर रहा है। और दोस्तों ये मीटर में थोड़ा एक गड़बड़ है, ये दोस्तों जैसे कि जितना कम एम्पियर को बतलाता नहीं, जैसे कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर को उसको नहीं बताता, 5 एम्पियर के ऊपर को सारे को ये बताता है। जैसे कि मान लो जा दोस्तों अगर मैं इसमें से कोई भी एक उपकरण को निकाल दूँ, जैसे कि मैं मोटर का वायर एक निकाल दे रहा हूँ, इसको निकालने के बाद मैं इसको पावर ऑन करता हूँ तो ये दोस्तों बताता नहीं है। ये देखो दोस्तों
ये देखो दोस्तों, ये बल्ब का एम्पियर हमारा बता नहीं रहा है। ये दोस्तों 0.5 एम्पियर के आगे को वोल्टेज को बताता है, और जहाँ 0.5 से अगर कम एम्पियर आया तो उसको नहीं बताता। मतलब ये देखो दोस्तों, 0.5 एम्पियर से हमारा कम ले रहा है, बल्ब तो नहीं बता रहा है। और साथ में अगर मैं इसको मोटर को जोड़ूँ तो एम्पियर अच्छे से बता रहे। तो एम्पियर मैं मोटर को एक बार जोड़ कर देखता हूँ कुछ इस तरह। तो ये देखो दोस्तों, 0.6 एम्पियर बता रहा है हमारा। तो हमारा उपकरण बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।